हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंट्रोडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि सरकार ने 48,239 करोड़ रुपीस 12 PSU बैंक में डाल चुके हैं। गाइस, आज ही उन्होंने वेडनेसडे को ही फाइनेंस मिनिस्टर ने या गवर्नमेंट ने हम कहे कि 12 PSU बैंक के अंदर इतने करोड़ रुपए डाल दिए हैं और रिकैपिटलाइजेशन के थ्रू। गाइस, जैसा कि आपको पता था कि दिसंबर पे भी इन्होंने 28,000 करोड़ समथिंग अमाउंट रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स के थ्रू इन्फ्यूज करा था पीएसयू बैंक्स के अंदर, साथ अब 12 PSU बैंक्स के अंदर करा है। गाइस, इस पे अगर हम बात करें कि किस पीएसयू बैंक में कितना पैसा डाला गया है, तो गाइस उसकी वजह से हमें शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग ही हमें समझना है कि किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो। तो गाइस, 12 PSU बैंक में कुछ कुछ अमाउंट डाला गया है इस 48,000 करोड़ के अंदर अंदर ही। अगर हम बात करें तो 9,000 करोड़ रुपए कॉरपोरेशन बैंक के अंदर डाला गया है और 7,000 करोड़ रुपए अलाहाबाद बैंक के अंदर डाला गया है। गाइस, ये दो बैंक के अंदर सबसे ज्यादा पैसा डाला गया है, क्योंकि ये एक पीएसए जो आपको पता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो एक मेजर वो चल रहा है, उसके अंदर ये दो बैंक आते हैं। अभी पीसीए के अंदर ये दो बैंक हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर। तो गवर्नमेंट इनको हेल्प करने के लिए, जो इनकी फाइनेंस ग्रोथ प्लान्स हैं उनको हेल्प करने के लिए और जो इनकी रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए इनको सबसे ज्यादा पैसा दे रही है या अकॉर्डिंगली उनके थ्रू दे रही है। फर्दर अगर हम बात करें तो 4,500 करोड़ रुपए बैंक ऑफ इंडिया को दिए गए हैं, 200 करोड़ रुपए बैंक ऑफ महाराष्ट्र को दिए गए हैं, क्योंकि ये अभी अभी पीसीए से बाहर आए हैं ये दो बैंक्स। अगर हम बात करें तो पीएनबी को साढ़े अगर हम पीएनबी को 6,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, यूनियन बैंक को 4,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और आंध्र बैंक को 3,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, सिंडिकेट बैंक को 1,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गाइस, अगर हम बात करें और, तो गाइस जो गवर्नमेंट पीसीए के अंदर अभी है उस पे 12,500 करोड़ रुपए डाले गए हैं। वो पीसीए के अंदर चार बैंक है जिसमें आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक, यूको बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। सो गाइस, ये 12 PSU बैंक को अब हम खरीद के चले या कुछ ऐसे पीएसयू बैंक को खरीद के चले कुछ दिन के लिए, यानी कि 2-3 दिन के लिए, जो हमें अच्छा खासा फायदा दे सके। गाइस, आपको पता है कि मार्केट बहुत डाउन है और हम इसे पोजिशनली होल्ड अभी नहीं करके रख सकते, तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि पीएसयू या 12 PSU बैंक खरीदने के मुकाबले हम सिर्फ ऐसे 3 PSU बैंक खरीदे जिन पे चार्ट में भी हमें लग रहा हो कि वो सपोर्ट पे खड़े हुए हैं और वो वहां से अच्छा खासा बाउंस दे सकता है। ज्यादा हम स्टडी ना करें, हम सिर्फ देखें कि ये अगर सपोर्ट के पास है और उछाल देने के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है तो हम इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सो गाइस, ऐसे 3 बैंक में आपके लिए लेकर आया हूँ जो चार्ट में भी सही लग रहे हैं और यहाँ से आपको 3-4 दिन के अंदर अच्छे रिकवरी के पॉइंट्स में आपको पैसा कमा के दे सकते हैं। तो अगर हम ये 3 बैंक की बात करें, तो हम बढ़ते हैं सबसे पहले इन 3 बैंक के अंदर जिसमें आता है पीएनबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और गाइस अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा इसमें आता है, आप खुद ही देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, वो 3 PSU बैंक्स जिसमें से सबसे पहला बैंक मैं आपके लिए चुन के लाया हूँ, बैंक ऑफ इंडिया। गाइस, ज्यादातर हम चार्ट स्टडीज में नहीं करेंगे क्योंकि जो भी जितने भी बैंक्स हैं वो सारे अपने लोस पे ट्रेड कर रहे हैं पीएसयू बैंक्स, और गाइस यहाँ से एक रिकवरी आना है इन द सेंस कि इसमें एक पॉजिटिव न्यूज आई है, तो हम एक उछाल देख सकते हैं और उसी उछाल का हमें फायदा उठा के प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाना है। इसे हमें होल्ड करके नहीं रखना अभी गाइस, क्योंकि गाइस अभी मार्केट बहुत ज्यादा वीक है और हम कह सकते हैं मार्केट और एक और डाउनफॉल दिखा सकती है। सो हम अभी इस पे बाइंग अपनी पोजीशन नहीं बनाएंगे, सिर्फ 2-3 दिन के पर्पज से ही हम इन पर्टिकुलर 3 बैंक में अपनी बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने वीकली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, अभी हम सिर्फ सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे और वहां से हम देखेंगे कि उछाल आने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है इन बैंक्स के अंदर। तो गाइस, आप देख सकते हैं वीकली बेसिस का ये चार्ट ओपन है, आप देख सकते हैं ये मैंने एक सपोर्ट की लाइन या ट्रेंड लाइन बना रखी है, ये किस तरीके से सपोर्ट दे रही है। हम पीछे जाके भी इसको जरूर देखेंगे कि वीकली बेसिस के अंदर ये पीछे क्या है, इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस कर रही थी। हाँ गाइस, देख सकते हैं आप 2006 में भी
इसने इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देने की कोशिश करी और यहां से इसने बाउंस बैक दिया था गाइस। अब हम बात करें, दोबारा पीछे जाते हैं तो आप देख सकते हैं 2004-2005 के अंदर अंदर भी इसने इतनी बार रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश करी और वहीं से भी इसने एक डाउनफॉल दिखा दी। और अगर हम पीछे जाने की कोशिश करें कि ऐसा एक और कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, हाँ देख सकते हैं गाइज आपकी 1997 के अंदर भी इस पर्टिकुलर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस था और यहीं से हमने एक डाउनफॉल देखी दी गाइज। सो देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पर ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस या एक सपोर्ट का काम कर रहा है अभी बैंक ऑफ इंडिया के लिए। अब आप देख सकते हैं ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दी है सपोर्ट की, 81 समथिंग के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है और पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत अच्छी खासी रिकवरी दिखा सकता है और जो इसकी रिकवरी आ सकती है ये अराउंड हमें जो लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 90-95 तक के लेवल्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक इंडिया के अंदर आने वाले 2 या 3 हफ्तों के अंदर अंदर ही गाइस। ये बैंक ऑफ इंडिया मुझे एक पॉजिटिव वे में लग रहा है। सो गाइस इसका जो मैं आपको टारगेट एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ कि ये 90-95 तक आराम से जा सकता है और जो इसमें आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो स्टॉप लॉस आपको इसमें मेंटेन करना है 73 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए बैंक ऑफ इंडिया के अंदर और पर्टिकुलरली 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपको ये 95 तक का लेवल भी एक्सपेक्ट करवा सकता है और हो सकता है शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए पर ये बैंक ऑफ इंडिया का 95-200 का टारगेट आपको 1 या 1.5 महीने के अंदर आपको मिल ही जाएगा। बहुत बढ़िया सपोर्ट बना हुआ था तो इसलिए बैंक ऑफ इंडिया मेरी फर्स्ट चॉइस है बाय करने के लिए। अब बढ़ते हैं पीएनबी के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पीएनबी का चार्ट ओपन कर लिया है। पीएनबी के चार्ट पे मैंने अपनी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन या एक ट्रेडेड जोन के अंदर जो ये पीएनबी ट्रेड कर रहा था कुछ टाइम्स अक्टूबर से प्रीवियस ईयर से। सो गाइस आप देख सकते हैं कि उसके सपोर्ट से इसने वापस कंसोलिडेट करने की कोशिश करी 4-5 दिन और वहां से हमने एक अपमूव आने की कोशिश करी है। देख रहा है कि पीएनबी यहां से एक अपमूव दिखा सकता है और मैं इसमें एक फ्रेश बाय की पोजीशंस आपको दे सकता हूं 3 से 4 दिन के पर्पस के लिए और आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं गाइस। अब मैं अगर इसमें आपको वीकली चार्ट के अंदर लेकर जाता हूँ तो वीकली चार्ट में भी आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से इसमें इसने सपोर्ट ले रखा है। वीकली चार्ट के अंदर बिल्कुल सेम तरीके से इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये एक और सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन के नीचे ये गया कुछ दिन कंसोलिडेट करा फिर उसने एक अपमूव दी। किसी भी सपोर्ट लाइन को या रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके वो ऊपर या नीचे जाता है सो मेरी कंडीशन सबसे पहले ये होती है कि 3 दिन तक उसके नीचे कंसोलिडेट होना चाहिए वो काउंटर, तभी वो ज़्यादा उसके नीचे जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं इस ट्रेंड लाइन को या इस सपोर्ट को इसने ब्रेक करा तो 3 दिन तक इसके नीचे क्लोजिंग होनी थी और 3 दिन तक जब इसके नीचे क्लोजिंग होती गाइस तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता था यहाँ से आपके लिए कि उसके बाद विद रेड कैंडल्स विद वॉल्यूम कि वहां से वो फर्दर डाउनसाइड दिखा सकता है पर गाइस वैसा नहीं हुआ। सो अब आप देखिएगा ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है सपोर्ट, ये क्या प्रीवियस जाके एक सपोर्ट का काम कर रही है या नहीं कर रही है पीएनबी के अंदर। सो आप देखिएगा बिल्कुल सही तरीके से इसने 2016 में भी इसने सपोर्ट लिया था और अगर हम पीछे जाते हैं पीछे भी हम देख सकते हैं यहाँ से उसके आसपास ही इसने रिवर्सल दिखाया था। दोबारा आप देख सकते हैं कि कितने टाइम तक इसी पे कंसोलिडेट कर रहा था, इसी लाइन पे कंसोलिडेट कर रहा था ये। अब देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट लाइन बनी हुई है जो हर तरीके से इस पीएनबी को रिस्पेक्ट दे रही है। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इसमें कल फ्रेश बाय नहीं बना सकते तो परसों बनाइएगा, पर शायद ये कल तक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे ऊपर की ओर और हम दोबारा फ्रेश हाईज इसमें भी बनते हुए देखने को मिल सकता है। और जो एक्सपेक्टेड टारगेट जो मैं इसमें सोच रहा हूँ वो गाइज हम हो सकता है कि 78 तक ये पर्टिकुलर काउंटर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं ये जा सकता है या 74 या 75 के आसपास। जो स्टॉप लॉस हम लोगों को इसमें अंदर मेंटेन करके रखना है गाइज, वो स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है पर मैं आपको एक्सपेक्ट करूंगा कि 67 या 66 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिएगा पीएनबी के अंदर। दो बैंक्स मैंने आपको बता दिए हैं कि एक सपोर्ट पे खड़े हुए हैं, वहां से एक रिवर्सल की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तीसरा बैंक है सेंट्रल बैंक, उसकी तरफ भी हम बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक का चार्ट मैंने ओपन करके रख दिया है।
इस पे भी हमने सपोर्ट जब ढूंढने की कोशिश करी तो बहुत बढ़िया सपोर्ट हमें देखने को मिला है। कुछ डबल या ट्रिपल बॉटम्स भी इसमें हमने बनते हुए देखे हैं। वीकली चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 70 या के लेवल से गिर के सीधा 30 के लेवल पे पहुंच गया था ये सेंट्रल बैंक। वहां से इसने एक अपमूव देने की कोशिश करी, 30 से हमने देखा 33 तक गया, वापस ये 30 या 28 के लेवल पे आ गया। 28 पे इसने दोबारा एक डबल बॉटम बनाया, हमने दोबारा अपमूव देखी और 38 तक गया, दोबारा नीचे आया और तीसरी बार इसने यहाँ पर अपना ट्रिपल बॉटम बनाया है 28 के लेवल पे। और वहां से आज हमने एक अपमूव आते हुए देखी है सेंट्रल बैंक के अंदर गाइस। और ये सेंट्रल बैंक के अंदर जब ये वीकली अपमूव आई है सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इसका टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिएगा 28 से जब इसमें मूवमेंट आई सबसे पहली बार ये गया था 23-23 तक, यानी कि यहाँ से 5 रुपए की हमने इसमें मूवमेंट देखी थी। दोबारा ये जब अपने इस लेवल्स पे आया और हाई इसने मारा तो इसने 10 रुपए की मूवमेंट दी। सो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेंट्रल बैंक के अंदर गाइस कि ये यहाँ से 15 रुपए तक की मूवमेंट देने में कामयाब हो सकता है, यानी कि 30 के लेवल से ये 45 तक जाने की एक्सपेक्टेशन रख रहा है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा ये 2-3 दिन में जा सकता है गाइस, इसको वक्त लगेगा, यानी कि 1.5 महीना भी लग सकता है, पर ये यहाँ से 45 के लेवल्स तक जाने की इसकी कैपेसिटी है जिस तरीके से ये ट्रेंड लाइन शो कर रही है। दोबारा हम पीछे जाएंगे, दोबारा हम पीछे देखेंगे क्या इस ट्रेंड लाइन को इसने रिस्पेक्ट दिया है या नहीं दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ। जूम आउट करने के बाद आप देखिएगा कि किस तरीके से इस लेवल पे भी इसने रिस्पेक्ट देने की कोशिश करी। एक डाउनफॉल आई यही पर हमने देखा था और डाउनफॉल आने के बाद उसके नीचे गया तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो करा, पर अगले हफ्ते ही इसमें मूवमेंट आना शुरू हो गई और इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया और कितने टाइम तक इसी ट्रेंड लाइन पे ये कंसोलिडेट करते रहा गाइस। सो बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए सिर्फ ऐसे 3 स्टॉक चुन के लाया हूं मैं, तो आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर बहुत ज्यादा फायदा करवा सकते हैं। तो फोकस्ड रखिएगा इसके अंदर, मैं आपको आपको कहूंगा कि आप फ्यूचर और ऑप्शंस पे इसमें ट्रेड ना करिएगा। अगर आप लोग रिस्की ट्रेडर्स नहीं है आपको मैं यही सलाह दूंगा इनको कैश में बाय करते रहिएगा, कैश में आपको अच्छा खासा फायदा ये दे सकती है। स्टॉप लॉस का मेंटेन करना है बिलो 27 के नीचे आपको इसके अंदर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा और आप इसे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हायर लेवल्स के साथ अप्रोच करके बाय रख सकते हैं, या फिर कुछ कुछ क्वांटिटी आप हर 5-5 रुपए में बाय करके रख सकते हैं और सीधा जब ये 45 के लेवल्स तक आपको मिले या उसके आसपास मिले तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप देख रहे होंगे कि मैंने आपके लिए निफ्टी के बारे में आपको नहीं समझाया इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैंने आपको अपनी पिछली प्रीवियस वीडियो जो मैंने कल रात को बनाई थी वो मैंने अपलोड कर दी थी और आपको बता दिया था वही वीडियो के अंदर गाइज की निफ्टी ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम 10,600 में बना दिया है और वहां से हम 100 से 150 पॉइंट तक की मूवमेंट उसमें देख सकते हैं 1 या 2 दिन के अंदर। और गाइज वही हुआ, एक ही दिन के अंदर हमने 100 से 150 पॉइंट तक की मूवमेंट निफ्टी के अंदर ही देख ली। सो गाइज अगर आपने वो निफ्टी का चार्ट अच्छे तरीके से समझना है और वो 10,000 लेवल तक जा सकता है उसमें ऐसे कौन से पैटर्न्स बने हैं, तो गाइज वो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वो वीडियो शो कर रही होगी। इस वीडियो को क्लिक करके आप उस निफ्टी के चार्ट को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।